हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से गॉड इंस्ट्रूमेंटेशन क्लब चैनल में। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेसिक हाइड्रोलिक में पास्कल्स लॉ और बर्नौलीज थ्योरम, हाइड्रोलिक पावर सिस्टम, हाइड्रोलिक फ्लूड, उसके फंक्शन, उसकी फ्लूड की प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। तो इससे लास्ट क्लास में हमने बेसिक हाइड्रोलिक्स के से रिलेटेड ही कुछ टॉपिक्स पे चर्चा की थी कि हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है और हाइड्रोलिक का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या होता है, कैसे वो काम करता है, और बेसिक हाइड्रोलिक के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था। तो शुरू करते हैं आज की अपनी ऑनलाइन ई लर्निंग क्लास। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पास्कल लॉ एंड बर्नौलीज थ्योरम। स्टूडेंट्स, हमारा जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है वो पास्कल लॉ के सिद्धांत पर काम करता है। पास्कल लॉ क्या होता है? पास्कल लॉ बेसिकली स्टेट्स दैट एनी प्रेशर अप्लाइड टू ए फ्लूइड इनसाइड ए क्लोज सिस्टम विल ट्रांसमिट दैट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। कहने का अभिप्राय क्या है कि यदि हम किसी बंद बर्तन में, पात्र में या किसी टैंक में जब हम कोई फ्लूड उसमें डालते हैं और उस फ्लूड के ऊपर, उस लिक्विड के ऊपर यदि हम कोई प्रेशर देते हैं, तो उस प्रेशर देने की वजह से वो लिक्विड, वो फ्लूड उस बर्तन में, उस पात्र में सभी दिशाओं में जो है समान रूप से आगे बढ़ता है। और इसी सिद्धांत पर हमारा जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो कार्य करता है। पिक में आपको एक जो है एक टैंक दिखाया गया है। उस टैंक में हमने एक लिक्विड डाला हुआ है। लिक्विड डालने के बाद जो है एक साइड हमने वेट रखा हुआ है और दूसरी साइड से हमने जब उस लिक्विड पे प्रेशर को अप्लाइड किया तो वो जो हमारा द्रव है, जो हमारा लिक्विड है, वो उस प्रेशर की वजह से आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने से जो वो वेट होता है उस वेट को जो है भी आगे बढ़ाता है, ऊपर उठाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा पास्कल लॉ है वो हमें ये बताता है। अब बात करते हैं बर्नौलीज थ्योरम की। यदि कोई असंपीड़ित द्रव किसी पाइप में प्रवाहित हो रहा है और उसके कणों के मध्य निरंतर संबंध हो रहा है और इसके साथ साथ उसमें न तो कोई ऊर्जा जोड़ी जाए और ना ही कोई ऊर्जा हटाई जाए और घर्षण के कारण कशक्ति जो कमी होती है वो भी ना हो, तो प्रवाह के प्रत्येक परिच्छेद पर कुल शीर्ष का मान समान होता है। अर्थात किसी बिंदु पर जो है कुल ऊर्जा हमारी जो होगी वो दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी। तो इस प्रकार से हमारा बर्नौलीज थ्योरम जो है हमें ये बताता है। पिक में आपको बर्नौलीज थ्योरम की जो है इक्वेशन बताई गई है कि किस प्रकार से जो है बर्नौलीज थ्योरम हमें जो है क्या हमें बताती है। जो बर्नौलीज थ्योरम का उपयोग है वो हम वेंचुरी मापी, जैसे कि हमने जो हमारे डिफरेंशियल फ्लो मीटर्स होते हैं उनमें हमने वेंचुरी मीटर के अंदर हम बर्नौलीज थ्योरम का प्रयोग करते हैं। एक हमारी ओरिफाइस प्लेट होती है उसमें हम बर्नौलीज थ्योरम का उपयोग करते हैं। पिटोट ट्यूब होती है उसमें हम बर्नौलीज थ्योरम का जो है यूज करते हैं और डिफरेंशियल प्रेशर की इक्वेशन कैलकुलेशन जो है हम इस थ्योरम के माध्यम से करते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोलिक पावर सिस्टम की कि हाइड्रोलिक पावर सिस्टम क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोलिक पावर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो हाइड्रोलिक लिक्विड की ऊर्जा को बढ़ाकर मैकेनिकल पावर में बदल देता है। और जो हमारे हाइड्रोलिक सिस्टम है उसमें जो व्यवस्था होती है उसमें एक मोटर, पंप, हमारी गेजेस ये लगी होती हैं और जो मोटर और पंप का जो कार्य होता है वो उस लिक्विड को, उस फ्लूड को वहाँ से उठाकर पाइप के माध्यम से प्रेशराइज्ड
करते हुए और मैकेनिकल पावर में उसको परिवर्तित करना उसका मुख्य कार्य रहता है। और पिक में आपको एक हाइड्रोलिक पावर सिस्टम दिखाया गया है जिसमें एक टैंक है। टैंक का जो यूज होता है वो बेसिकली उस लिक्विड के लिए होता है, जो लिक्विड हमें अपनी पाइप लाइन से प्रेशराइज करके आगे भेजना है। और उसी प्रेशराइज जो संपीड़ित लिक्विड होता है, वो संपीड़ित लिक्विड जो है उसको मैकेनिकल पावर में बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा हाइड्रोलिक पावर सिस्टम काम करता है। बात करते हैं हाइड्रोलिक फ्लूइड की। हाइड्रोलिक फ्लूइड क्या होता है, हाइड्रोलिक लिक्विड क्या होता है? तो एक हाइड्रोलिक फ्लूइड और हाइड्रोलिक लिक्विड इज द मीडियम बाय विच पावर इज ट्रांसफर्ड इन हाइड्रोलिक मशीनरी। जो हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड या हाइड्रोलिक लिक्विड होता है वो एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम पावर को ट्रांसफर करके हाइड्रोलिक मशीनरी में देते हैं, पहुंचाते हैं। और कॉमन हाइड्रोलिक फ्लूइड्स जो है वो हम मिनरल ऑयल और वाटर होता है। तो इस प्रकार से जो हमारा फ्लूइड है, फ्लूइड्स के अब टाइप देख लेते हैं। हमारे जो फ्लूइड्स या लिक्विड्स जो हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज किया जाता है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार की वैरायटीज के अंदर हमें उपलब्ध होता है। जैसे कि सबसे पहला पेट्रोलियम बेस्ड, दूसरा वाटर बेस्ड और तीसरा होता है सिंथेटिक्स। तो पेट्रोलियम बेस्ड और मिनरल बेस्ड फ्लूइड्स जो है वो औद्योगिक जगत में बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। और वाटर बेस्ड फ्लूइड्स का प्रयोग हम वहाँ करते हैं। वाटर बेस्ड फ्लूइड इनकी हाई वाटर कंटेंट सामग्री के कारण जो है हम फायर रेजिस्टेंस, आग को रोकने संबंधी कार्यों में हम वाटर बेस्ड फ्लूइड्स का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा लिक्विड है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार के हैं। सबसे आज के टाइम में सबसे ज़्यादा हम पेट्रोलियम बेस्ड या मिनरल बेस्ड फ्लूइड्स का यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम बेस्ड में हमारे ऑयल आते हैं, मिनरल बेस्ड में हमारा वाटर आ सकता है आता है। आपको पिक में दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो है पेट्रोलियम बेस्ड हमारे लिक्विड होते हैं। और साथ में एक टेबल दिखाई गई है कि जो हमारे पेट्रोलियम बेस्ड ऑयल के रूप में लिक्विड या फ्लूइड होते हैं उनको एक नंबर के अनुसार एक नंबर दे दिया जाता है। और वो नंबर हमें ये बताता है कि उस लिक्विड की, उस फ्लूइड की विस्कोसिटी ग्रेड रेंज क्या है। आपको इस टेबल में विभिन्न नंबर्स, ग्रेड नंबर्स दिए गए हैं फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड और थर्ड कॉलम में जो है आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम विस्कोसिटी ग्रेड की रेंज जो है एमएम स्क्वेयर पर सेकंड एट 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर दिखाई गई है। तो इस प्रकार से जो हमारा फ्लूड है, जब भी हम फ्लूड का यूज करते हैं तो हम जो है उस नंबर ग्रेड के अकॉर्डिंग फ्लूड का चयन करते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड। जो लिक्विड होता है हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज किया जाने वाला या द्रव होता है, उसका जो कार्य है और उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए वो इस स्लाइड में हम डिस्कशन करेंगे। तो द मेजर फंक्शन ऑफ ए हाइड्रोलिक फ्लूड इज टू प्रोवाइड एनर्जी ट्रांसमिशन थ्रू द सिस्टम विच एनेबल्स वर्क एंड मोशन टू बी अकम्प्लाइज्ड। हाइड्रोलिक फ्लूड्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लुब्रिकेंट, हीट ट्रांसफर एंड कंटेमिनेशन कंट्रोल। तो जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कशन किया है कि फ्लूइड्स का जो मुख्य कार्य होता है वो यही होता है कि वो हमें एनर्जी, जो पावर होती है, पावर को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें जो है वो प्रोवाइड कराता है, हमें उपलब्ध कराता है। और इसके साथ साथ जो हमारा लिक्विड होता है, जो हमारा फ्लूइड होता है, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, जिम्मेदारियां भी होती हैं कि वो एक तो लुब्रिकेशन के लिए जिम्मेवार रहता है, दूसरा हीट ट्रांसफर मतलब हीट को भी वो ट्रांसफर करने में सक्षम होता है, दूसरा कंटेमिनेशन कंट्रोल का कार्य करने में भी वो सक्षम होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो हमारा फ्लूड है वो हमें
जो है हमारी पावर को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। उसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की। तो जो इसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ गुड हाइड्रोलिक फ्लूइड होती हैं, एक अच्छे हाइड्रोलिक फ्लूइड की, लिक्विड की, द्रव की जो अच्छी प्रॉपर्टीज, आवश्यक प्रॉपर्टीज, गुण धर्म होते हैं, वो इस प्रकार है। जैसे कि सबसे पहले तो गुड लुब्रिसिटी, जो उसका लुब्रिकेशन लुब्रिसिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आइडियल विस्कोसिटी, एक आदर्श विस्कोसिटी भी उसमें, विस्कोसिटी का भी गुण उसमें होना चाहिए। केमिकल एंड एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, केमिकल रासायनिक और वायुमंडलीय जो स्टेबिलिटी है वो भी अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर उसमें होनी चाहिए। लार्ज बल्क मॉड्यूल्स, फायर रेजिस्टेंस, उसमें ये गुण भी होना चाहिए कि वो आग के जो है अवरोधी हो। गुड हीट ट्रांसफर कैपेबिलिटी, उसमें हीट को ट्रांसफर करने की अच्छी योग्यता होनी चाहिए। लो डेंसिटी, जो उसका घनत्व है वो कम होना चाहिए। फोम रेजिस्टेंस, नॉन टॉक्सिसिटी, लो वोलेटिलिटी, ये सारे के सारे गुण जो हैं उसमें होने, हमारे लिक्विड में, हमारे फ्लूइड में होने चाहिए। तो इस प्रकार से जो हमारे फ्लूइड के कार्य है और प्रॉपर्टीज हैं वो इस प्रकार से हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम की। हाइड्रोलिक सिस्टम का प्रयोग हम किस किस फील्ड में करते हैं? तो सबसे पहले एग्रीकल्चरल मशीनरी एंड इक्विपमेंट, जितनी भी हमारी खेती बाड़ी की, एग्रीकल्चर की मशीनरी और इक्विपमेंट्स हैं, उन सभी में हम हाइड्रोलिक सिस्टम का उपयोग करते हैं। जैसा कि हमारा कोई एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी मशीनरी है, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, और आजकल ट्रैक्टर ट्राली हो गए, ट्राली के अंदर भी हम हाइड्रोलिक सिस्टम को यूज़ करते हैं, जैक सिस्टम यूज़ करते हैं, जिसमें जो ट्राली के अंदर मटेरियल है उसको खाली करने में आसानी से उसको हम खाली कर सकते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज़ करते हुए। और उसके बाद फॉरेस्ट्री इक्विपमेंट है, इसमें जितने भी वन विभाग के जो उपकरण होते हैं उनमें हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज़ किया जाता है। ऑयल फील्ड एंड ऑफ शोर, तो जितने भी ऑयल फील्ड, जितने भी प्लांट्स हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, उन सभी में हाइड्रोलिक सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। मशीन टूल्स एंड ऑफ रोड इक्विपमेंट, तो मशीन टूल जितने भी हैं सभी में हम हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज़ करते हैं। माइनिंग मशीनरी एंड इक्विपमेंट, जो माइनिंग मशीनरी होती है, जैसे कि हमारी जेसीबी, हमारी क्रेन, तो इस प्रकार से उन सभी में हम आज के टाइम में हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जितने भी हमारे कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट हैं, और सस्पेंशन इन व्हीकल्स, तो व्हीकल्स की जितनी भी सस्पेंशंस हैं उसमें भी हम हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज़ करते हैं। व्हीकल में आजकल जो हमारा पावर स्टेयरिंग सिस्टम होता है उसमें भी हम हाइड्रोलिक सिस्टम के बेस पर ही जो है उसका यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स, हमने बेसिक हाइड्रोलिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में जानकारी ली है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आए हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। ओके स्टूडेंट्स।